ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने लास्ट वो हेलमेट वाले ब्लॉग में कहा था कि इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, इसको इंस्टॉल कैसा करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखना, बाकी बहुत ईजीली और बहुत यूजफुल चीज़ है ये। तो आज के ब्लॉग में मैं इसी का इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला हूँ। एज ऑलवेज हम लोग मुरली के साथ है, तो चलो ब्लॉग में बने रहो और इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर देखना पूरा, क्योंकि बहुत यूज़ आने वाला है आपको। हेलो एवरीवन। तो एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, हमने बोला था कि हेलमेट वाइजर प्रोटेक्टर एक नया लॉन्च हुआ है करके मार्केट में। सो बेसिकली दिस इज़ हेलमेट वाइजर प्रोटेक्टर। तो इसके अंदर जो अपने को मिलता है उसका एक ये वाइजर शील्ड जो अपन आज इंस्टॉल करने वाले हैं शेबास के हेलमेट पे, एंड ये उसका एक क्लॉथ आता है वाइल इंस्टॉलिंग, ये एक यूज़ होता है, इट्स अ वेरी यूज़फुल। एंड एक ये पी का आता है जो मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे विदाउट एनी बबल यूज़ करने के लिए, एंड उसका एक लिक्विड आता है विच वी सबसे पहले जो स्टार्ट इससे करते हैं अपन। तो सबसे पहले व्हेन वी इंस्टॉल तो इसको ना बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करके मतलब वाइज़र को एकदम क्लीन रखते हैं। तो वील डू वन थिंग, फर्स्ट वी क्लीन द वाइज़र वेरी क्लीनली, और ये क्लीन करने के टाइम पे यूज़ अ फाइबर क्लॉथ ताकि मतलब कोई स्क्रैचेस एंड कोई डस्ट वगैरह उसके ऊपर रुके नहीं, तो मतलब जिससे अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ ऐसी तरह अपने को इसको क्लीन करना है। इट इज़ वेरी इजी, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी अगर किधर से लेते हो तो घर पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो खुद ही अपने हेलमेट पे। एंड इट्स अ यूनिवर्सल जो किसी पे भी मतलब कोई भी हेलमेट पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत बड़े हेलमेट्स में यूज़ करना है या फिर छोटे हेलमेट्स में। इट्स अ यूनिवर्सल वन, कोई भी हेलमेट्स में यूज़ कर सकते हैं आप। हो गया वाइजर क्लीनिंग डिपार्टमेंट कम्प्लीट, नाउ देन विल स्प्रे वंस अपॉन। आपको इसका स्टेप्स ये तो ईजिली इसके बैक एंड में लिखा है, तो यू विल गो विथ स्टेप वाइज, टोटल 5 स्टेप्स है। विल स्प्रे अगेन एकदम लाइटली टू इंस्टॉल द वाइजर प्रोटेक्टर। जस्ट मेक श्योर की वैली यू इंस्टॉलिंग मतलब उसके ऊपर कोई बबल नहीं आना चाहिए, जिससे को बाद में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो जाए वो। ये कुछ ऐसा ओपन होता है। अपने एंटी पॉक को भी देख सकते हैं इजीली इंस्टॉल करने के टाइम पे। सो दिस इज अ पीक यू हैव टू यूज, एकदम प्यार से यूज करना है बबल्स को निकालने के लिए, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये है इसका फाइनल स्टेज। सो गाइस बी वेरी केयरफुल वाइल इंस्टॉलेशन ताकि इसका गम ना निकल जाए। मेरे को तो लगता है बच्ची इसका गम अच्छी तरह से बैठ गया है। से काम करने का बात पहली बार देख रहा हूँ। कितना टेंशन में काम कर रहा है उसको क्लियर करने में। अरे इसमें बबल्स बहुत आते रहे। अरे इसमें बबल्स आके मैं देखो करके दे रहा तो कुछ काम कुछ फायदा नहीं है ना यार। वो देखना हिल जाता फटक से, वो लिक्विड ही वैसा है उसका। एक जगह से मारता हूँ तो फिर एक जगह से निकलता है। निकलता ना नहीं, वैसे नहीं अभी निकलने का नहीं कुछ।
लग रहा था उतना इजी करेंगे, बट आज मन लग गया उतना। फाइनली लग गया ब्रो। अभी देखो अगर इसको चेक कर रहा है तो उसके ऊपर अगर पानी डालेगा तो रुकेगा ही नहीं। देखते हैं ना पानी डाल के देखते हैं। पानी डाल के दिखाया तो चलते हैं बाहर दिखाता हूँ मैं। तो अभी इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं पानी इसके ऊपर रुक रहा है कि नहीं। तो यार सच में यूज़फुल चीज़ है, ज़रा भी पानी नहीं रुक रहा, मतलब हाँ भाई लगाने का फ़ायदा अच्छा है। मतलब देखो वो क्लियर मिलेगा रे गाड़ी चलाने के टाइम। हाँ मतलब बारिश के टाइम नहीं प्रॉब्लम रहेगा। ऑल राइट, सो फाइनली पूरा इंस्टॉलेशन करके हो गया और प्रैक्टिकली भी आपने देखा कि कितना यूज़फुल है। तो बारिश में तो ये अच्छा खासा यूज़ होने वाला है और अभी हमारे राइड्स चालू होने वाले, तो फ्यूचर में तो आप लोगों को पता ही चलेगा मैं किधर किधर जा रहा हूँ राइड के लिए। मगर उसी के लिए बहुत सही यूज़फुल चीज़ मिली। मुरली प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस है 499। 499 तो मतलब वर्थ है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, चीप में एकदम यूज़फुल चीज़ मिल रही है और मार्केट में नई चीज़ है ये। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।